हेलो, एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, पर्सनालिटी की थ्योरीज में हम लोगों ने कई मनोवैज्ञानिकों के व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अब हम आज जिस सिद्धांत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह है कर्ट लेविन का फील्ड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत। आज हम सबसे पहले इस सिद्धांत की आपको, जो कि पढ़ाने का तरीका यह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सबसे पहले आज इनके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी के बारे में बता रही हूँ, जो कि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत पर आक्षेप भी लगाया है कि लेविन ने जिन प्रत्ययों को लेकर व्यक्तित्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है वह उसे समझाने में पूरी तरह सफल नहीं रहे हैं। यानी लेविन ने यद्यपि अपने सिद्धांत में वैज्ञानिक प्रत्ययों का उपयोग किया है, लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो व्यवहार की व्याख्या के लिए मनोवैज्ञानिकों की निगाह में सूटेबल नहीं है। यह चीज़ मैंने स्टूडेंट आज आपको पहले इसलिए बताई क्योंकि मैं कई सालों से यह चीज़ें पढ़ा रही हूँ और हर थ्योरी तो बड़े आराम से स्टूडेंट कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होता है, लेकिन लेविन के सिद्धांत को जब भी मैंने पढ़ाया है कुछ चीज़ों को लेकर उनकी शंकाएं बनी रहती हैं और बहुत बार एक्सप्लेन करने के बावजूद वह कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम आपको इसीलिए यह वाक्य पहले बोल रहे हैं कि यह लेविन के सिद्धांत पर आक्षेप भी है, क्यों? क्योंकि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं गणित के, मैथ के, जो कि मैथ के फील्ड में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यवहार के फील्ड के लिए मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है कि इनके आधार पर व्याख्या सही नहीं हो पाई है या उतनी स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाई है। इसीलिए मैंने आपको यह पहले बात कही है कि आप यह समझने का प्रयास करिए कि यह सिद्धांत लेविन की देन है। इसमें अलग से हम कोई कॉन्सेप्ट को ऐड नहीं कर रहे, उनके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं और जैसा उनका कॉन्सेप्ट है उसको उसी तरह से हमको समझना होगा। कुछ चीज़ें जो स्पष्ट नहीं हैं वह एक्चुअल इनके सिद्धांत पर आक्षेप भी है, इसलिए हम आपको यह वाक्य पहले कहे, वरना यह वाक्य अंत में मुझे कहना चाहिए था। क्योंकि साइकोलॉजी की थ्योरी ऐसी है कि पहले हम आपको जब तक प्रिपेयर न करते, तैयार न करते, आपके दिमाग को इसके लिए प्रेरित न कर दें कि देखिए यह आपको इसी तरह समझना है, तब तक आप उस दिशा की ओर मुड़ते नहीं हैं। अब हम चल रहे हैं कर्ट लेविन के सिद्धांत की ओर, और कर्ट लेविन का सिद्धांत व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत है। कर्ट लेविन का जन्म 1890 में, 1890 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। यह पीएचडी यानी इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि बर्लिन विश्वविद्यालय से ही साइकोलॉजी में प्राप्त की थी और 1926 में ये फिलॉसफी और साइकोलॉजी के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए गए। लेविन ने अपने जो व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत दिया है वह टोपोलॉजी की सहायता से दिया है। टोपोलॉजी
एक ऐसी गणित की शाखा है जिसमें कि क्षेत्र का विशेष महत्व होता है, और इसी आधार पर लेविन ने फील्ड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी का प्रतिपादन 1935 में किया, 1935 में किया। लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स के बारे में अब हम आपको बताते हैं। लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत है वह उस व्यवहार से संबंधित है जो कि व्यवहार जब घटित होता है और उस समय व्यक्ति या व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है, जो क्षेत्र होता है, वह व्यवहार जो होता है उस क्षेत्र का परिणाम होता है, प्रकार्य होता है, और इसलिए उस परिस्थिति का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिस परिस्थिति से संबंधित भाग या विभेदित भाग व्यक्ति के व्यवहार का रूप है या प्रकार्य है। लेविन ने अपने सिद्धांत में कुछ बल यानी आवश्यकताओं का भी वर्णन किया है। यह बल या आवश्यकताएं ऐसी हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत या क्षेत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक साथ उपस्थित और आपस में एक दूसरे पर निर्भर तथ्यों के योग को क्षेत्र कहते हैं। लेविन ने व्यक्तित्व की संरचना के संबंध में कुछ विशेष बिंदुओं का वर्णन किया है जिसके बारे में हम आपको फिगर दिखाएंगे भी और इसके बारे में समझाते भी हैं, क्योंकि बिना फिगर को देखे आप इसको समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। सबसे पहले लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में हम व्यक्तित्व की संरचना में पहले बिंदु पर चलते हैं, लाइफ स्पेस, जीवन समष्टि। जीवन समष्टि, लाइफ स्पेस, इसको समझाने के लिए लेविन ने एक ओवल शेप फिगर लिया है और इसमें बीचों बीच उन्होंने एक खाली घेरे में पी लिखा है और इसके दोनों ओर ई लिखा है, और इसके जो ओवल शेप है उसके बाहर का जो वातावरण है उसको लेविन ने नॉन साइकोलॉजिकल वातावरण के रूप में परिभाषित किया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो लेविन का सिद्धांत है उसमें पी और दोनों ओर जो ई हैं, इसका मतलब है, पी का मतलब पर्सन है और ई का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, और यह तीनों चीज़ें साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और व्यक्ति जो है एक अंडाकार आवृत्ति में इन्होंने दिखाया है। इनके अनुसार जो लेविन ने व्याख्या की है अपने सिद्धांत की, वह एल यानी जीवन समष्टि, लाइफ स्पेस इक्वल टू पी प्लस ई, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बी इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी प्लस ई, या यह कह सकते हैं बी इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एल। यानी इन्होंने व्यवहार की जो व्याख्या की है वह पर्सन और एनवायरनमेंट, व्यक्ति और वातावरण के बीच प्रकार्यात्मक संबंधों के आधार पर की है,
यानी बिहेवियर इज फंक्शनल रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड एनवायरनमेंट, या बिहेवियर इज फंक्शनल रिलेशन बिटवीन लाइफ स्पेस, यानी सॉरी एक मिनट, बिहेवियर इज द फंक्शनल रिलेशन ऑफ लाइफ स्पेस, यानी व्यवहार जो है वह जीवन समष्टि, जीवन समष्टि क्या है, इनकी ई और पी है, जो कि इन्होंने अपने पहले सूत्र में बताया है, जिसको कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। यानी व्यक्ति जो है अपने चारों ओर एक मनोवैज्ञानिक वातावरण से घिरा हुआ होता है, और यह मनोवैज्ञानिक वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, और व्यक्ति के जो तथ्य हैं वह मनोवैज्ञानिक वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। लेविन के सिद्धांत में एक विशेष प्रत्यय की बात की गई है, प्रवेश्यता। प्रवेश से ही संबंधित इसको आप समझिए, यानी ऐसा जो उन्होंने व्यक्ति को दिखाया है ओवल शेप में, उसको व्यक्ति को ओवल शेप में एक खाली घेरे में दिखाया है, इस खाली घेरे में प्रवेश्यता का गुण होता है, यानी व्यक्ति कितना अधिक अपने में यह गुण रखता है। ऐसे व्यक्ति, कुछ व्यक्ति जो ऐसे होते हैं जिनमें प्रवेश्यता का गुण अधिक होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें यह गुण कम होता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, आइए हम आपको लेविन के ही शब्दों में बताते हैं। लेविन के अनुसार जिन व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में प्रवेश्यता सुगम या सरल होती है, उनका व्यक्तित्व समायोजन या अधिक समायोजित प्रकार का होता है, और जिनमें प्रवेश्यता कठिन होती है उनमें व्यक्तित्व का समायोजन मुश्किल होता है। अब हम आपको और इसको क्लियर करते हैं कि लेविन ने ये कहा है कि व्यक्ति जो है वह अपने वातावरण के साथ अंतर क्रिया करता है, और जितना ही वह इसमें समायोजन के लिए, एडजस्ट होने के लिए अपने को प्रिपेयर करेगा, उतना ही वातावरणीय परिस्थितियों को वह अपने में समाहित कर सकता है। प्रवेश्यता यहाँ प्रवेश करने से ही संबंधित है, और इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और वातावरण की बात की है, ऐसा वातावरण जिसमें कि जो कि व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है, यह वातावरण व्यक्ति के लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं होता है, यह नॉन साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, अमनोवैज्ञानिक वातावरण होता है। यानी लेविन के अनुसार वही वातावरण वैज्ञानिक है जो मनोवैज्ञानिक है जो व्यक्ति को प्रभावित करे, और व्यक्ति स्वयं भी इस वातावरण को प्रभावित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेविन के कॉन्सेप्ट के दूसरी प्रत्यय के बारे में, विभेदित व्यक्ति, द डिफ्रेंशिएटेड पर्सन। हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि व्यक्ति को एक वृत्त के द्वारा, एक सर्किल के द्वारा, ऐसे सर्किल के द्वारा प्रदर्शित किया है लेविन ने, जो कि खाली है। और लेविन का यह मानना है कि व्यक्ति पूर्ण या समग्र रूप में प्रदर्शित अवश्य किया गया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से पूर्ण या समग्र नहीं होता है।
हर व्यक्ति में कहीं न कहीं कुछ न कुछ समग्रता में, पूर्णता में कमी होती है। व्यक्ति जो है अंतर संप्रेषित या अंतर आश्रित भागों या हिस्सों में विभाजित होता है, जिसको कि हम एक फिगर आपको और दिखा दे रहे हैं, यानी व्यक्ति का आंतरिक क्षेत्र जो होता है वह अनेक सेल्स में डिवाइड होता है, अनेक सेल में बटा होता है। इसमें जो सेल होते हैं उसमें कुछ सेल सी और कुछ पी लिखे हुए आपको दिखाई देंगे। यह जो सेल सी लिखे और पी लिखे दिखाई दे रहे हैं, लेविन के अनुसार यह जो सेल हैं, सी लिखा सेल आपका सेंट्रल सेल या केंद्रीय सेल कहलाता है, और पी जो है परसेप्शन से रिलेटेड है। इस प्रकार इन्होंने परसेप्चुअल मोटर रीजन की व्याख्या की है, प्रात्यक्षिक गतिक क्षेत्र की व्याख्या की है कि किस प्रकार व्यक्ति जो है वह उसको गति करने की स्वतंत्रता होती है, और वह गति जो करता है वह अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण में किस प्रकार की गति करता है और कैसी अवस्थाओं में गति करता है। लेविन ने यह भी बताया है कि वातावरण में व्यक्ति को गति करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, क्योंकि इस अवस्था में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। इसीलिए चित्र में इसको अनेक भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कैसी गति, कैसी बाधा नहीं होती है, तो हम आपको एक वाक्य से स्पष्ट कर रहे हैं। यह इन्होंने आंतरिक गति की बात की है, जिसमें व्यक्ति निर्बाध रूप से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गति कर सकता है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रों के बीच संबंध की। लेविन के सिद्धांत में लेविन ने ये कहा है कि व्यक्ति जो है जीवन समष्टि अंतर संबंधित व्यवस्था की जाल से निर्मित है, और इसमें इन्होंने संप्रेषण के कुछ नियमों की बात की है, यानी किस प्रकार से संप्रेषण का अर्थ होता है कुछ भेजना, आदान प्रदान। संप्रेषण किस तरह से होता है, यानी व्यक्ति जो है अनेक नियमों के आधार पर यह संप्रेषण का कार्य होता है व्यक्ति में। इसमें इन्होंने एक नियम दिया है, निकट दूरस्थ नियम। निकट दूरस्थ नियम का अर्थ है कि जो क्षेत्र आसपास की हैं उनमें संप्रेषण दूर के क्षेत्रों की अपेक्षा जल्दी होता है या अधिक होता है, और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो रेखाएं इन्होंने दी हैं परसेप्चुअल मोटर क्षेत्र में, अपने जितने भी इन्होंने चित्र दिखाए हैं लेविन ने, हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें इन्होंने हर रेखा से एक एक क्षेत्र को ये घेरते गए हैं। तो इनका ये कहना है कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि सीमा रेखाएं कितनी कमजोर और कितनी शक्तिशाली हैं। जितनी ही सीमा रेखा कमजोर होगी उसमें संप्रेषण सरल होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध कम होता है, रुकावट कम होता है, और जितनी पावरफुल होगी, मजबूत होगी, रिजिड होगी,
उसमें संप्रेषण कम होगा। इसके अलावा इन्होंने एक तीसरा नियम, यह लेविन ने बताया है, तरल कठोर नियम। तरल कठोर नियम का मतलब है कि लिक्विड माध्यम में संप्रेषण अधिक और कठोर में कम होता है, यानी उसका बाह्य वातावरण से जितना अधिक संपर्क होगा उतना ही अधिक उसका संप्रेषण होगा। अब आते हैं लेविन द्वारा वर्णित क्षेत्रों की संख्या पर। व्यक्ति की लाइफ स्पेस में, जीवन समष्टि में कितने क्षेत्र होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति एक समय विशेष में कितने अलग अलग व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं। एक समय विशेष में क्षेत्रों की संख्या उतनी ही होती है जितने तथ्य एक समय में मनोवैज्ञानिक वातावरण में उपस्थित होंगे। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक वातावरण का मुख्य तथ्य इन्होंने जो बताया है वह है कर्षण शक्ति, यानी व्यक्ति को कितने तथ्य ऐसे हैं जो अपनी ओर खींच रहे हैं। जितनी ज़्यादा कर्षण शक्ति जितने क्षेत्रों के लिए होगा, कर्षण वैलेंस यानी जितना ज़्यादा खिंचाव जितने क्षेत्रों के लिए होगा उतना ही ज़्यादा क्षेत्रों की संख्या होगी। अब यह भी इन्होंने कहा है कि वैयक्तिक तथ्यों, पर्सनल फैक्ट की संख्या कितनी है, मनोवैज्ञानिक तथ्यों की संख्या कितनी है, इन सब पर क्षेत्रों की संख्या डिपेंड करती है। अब हम इनके अगले टॉपिक के बारे में चलते हैं कि वातावरण में व्यक्ति, पर्सन इन द एनवायरनमेंट। इनका ये कहना है कि जो ओवल शेप में व्यक्ति को दिखाया गया है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति उसी ओवल शेप के मध्य में ही हो, वह उस ओवल शेप में कहीं भी हो सकता है। लेकिन उस लेविन ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को सीमा रेखा से स्पर्श करते हुए नहीं रखा जा सकता है। यदि मनोवैज्ञानिक वातावरण विभेदित है अथवा विषम जाति है, तब इस अवस्था में व्यक्ति जो है वहाँ पर होगा जिस क्षेत्र में से वह सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। एक बार फिर हम जीवन समष्टि की बात कर रहे हैं कि जो ओवल शेप है वह उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण है जिससे कि व्यक्ति प्रभावित होता है और उस व्यक्ति से वह उसका वातावरण भी प्रभावित होता है। व्यक्ति जो है कई बार अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण में शारीरिक रूप से एक स्थान पर होते हुए भी मानसिक रूप से वह दूसरे स्थान पर चला जाता है। और स्टूडेंट, यह आपको बहुत समझाने की बात नहीं है। क्लास में हम लोग अक्सर आपको टोकते हैं, कहाँ हो, तो आप कहते हैं मैम यहीं पर तो हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या बताया जा रहा है, आप सोचने लगते हो। कारण, आप फिजिकली तो वहाँ हो, मेंटली वहाँ नहीं हो। यही लेविन ने समझाया है कि एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक वातावरण उसे मानसिक रूप से भी अपने वातावरण से अलग खींच सकता है और जो वातावरण उसे पसंद आता है या प्रभावित करता है वह उसको उस ओर उसका ध्यान
चला जाता है, यानी इसको लेविन ने यह भी कहा है कि शारीरिक रूप से बैठा हुआ व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं और भी हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व की गति की, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी की। लेविन ने व्यक्तित्व गतिकी की व्याख्या के लिए कुछ प्रत्यय विज्ञान से लिए हैं, साइंस से लिए हैं, और इसी आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व की गतिकी की व्याख्या की है। और व्यवहार की व्याख्या के लिए इन्होंने जो कुछ प्रत्ययों की बात की है, उसमें सबसे पहले एनर्जी, ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं। लेविन ने ऊर्जा को एक मनोवैज्ञानिक तथ्य या साइकिक एनर्जी कहा है। उनका विचार है कि व्यक्ति स्वयं एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम होता है, जटिल ऊर्जा व्यवस्था। यानी इन्होंने व्यक्ति को जटिल ऊर्जा व्यवस्था कहा है, और इस प्रकार की मानसिक ऊर्जा की उपस्थिति व्यक्ति में तब होती है जब व्यक्ति किसी प्रकार से अपने में संतुलन की अवस्था चाहता है। यानी इन्होंने कहा है कि जब एक व्यक्ति असंतुलन की अवस्था से संतुलन की अवस्था की ओर आना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वह कुछ प्रयास करता है और ऐसी क्रियाएं करता है जिससे कि उसका तनाव समाप्त हो जाए। तो यह जो क्रियाएं की जाती हैं वह उसकी ऊर्जा या शक्ति के आधार पर की जाती हैं। लेविन ने अपने सिद्धांत में सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक ऊर्जा का वर्णन ही किया है, अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में इन्होंने कोई वर्णन नहीं किया है। लेविन ने तनाव की भी व्याख्या की है। लेविन ने तनाव को एक ऐसी अवस्था माना है जिसमें व्यक्ति एक से अधिक आंतरिक तंत्र या क्षेत्र के बलों के बीच असंतुलन महसूस करता है। यानी तनाव ऐसी अवस्था है जिसमें आंतरिक क्षेत्रों के बीच ऐसा बल असंतुलन उत्पन्न होता है जिसके कारण व्यक्ति संतुलन चाहता है। तनाव का यह गुण होता है, लेविन ने यह कहा है कि तनाव व्यक्ति का में जो होता है उसका एक विशेष गुण यह होता है कि वह व्यक्ति को प्रेरित करता है। किस लिए? कि व्यक्ति जो है अपने वातावरण, अपने क्षेत्र में संतुलन स्थापित कर सके। इस संतुलन को समान करने में, माने इस संतुलन को बनाने में व्यक्ति अनेक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, जैसे थिंकिंग है, परसेप्शन है, चिंतन है, प्रत्यक्षीकरण है, स्मरण है आदि। और यह प्रक्रियाएं तब तक चलती रहती हैं जब तक कि व्यक्ति जो असंतुलन है, यह असंतुलन किससे उत्पन्न हुआ है? तनाव से। यह प्रक्रियाएं तब तक चलती रहती हैं जब तक कि व्यक्ति संतुलन को न प्राप्त कर ले, और इस संतुलन को प्राप्त करने में व्यक्ति अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है। यहीं पर लेविन ने यह बात भी कही है कि व्यक्ति के जो सेल की सीमा रेखा यदि कमजोर या पारगम्य होती है तो वह तनाव अपनी कोशिका, अपने सेल से निकलकर दूसरे सेल में चला जाता है, और जिस सेल में यह तनाव होता है यदि उसकी सीमा रेखा बहुत सख्त है
माने उसमें कुछ भी प्रवेश नहीं हो सकता है, तो वह उसमें ही बना रहता है, अन्य सेल में नहीं जाता है, ऐसा लेविन ने अपने सिद्धांत में कहा है। अब लेविन ने आवश्यकताओं का भी वर्णन किया है। लेविन ने कई प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि आवश्यकता शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की हो सकती है, और दोनों ही प्रकार की आवश्यकता व्यक्ति में तनाव को उत्पन्न कर सकती है। शारीरिक प्रकार की आवश्यकता के अंतर्गत भूख, प्यास, नींद, इस तरह की आवश्यकताएं हो सकती हैं, और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अंतर्गत किसी भी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। यह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की जो आवश्यकता होती है वह व्यक्ति को तनाव देती है, और इस तनाव से निकलने के लिए व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी लेविन ने भी, बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, रोजर्स की तरह, अन्य मनोवैज्ञानिकों की तरह, लेविन ने भी आवश्यकताओं को एक मोटिवेशनल फैक्टर माना है। भाषा जरूर थोड़ी अलग है, लेकिन सिद्धांत का स्वरूप ध्यान दीजिए तो इन्होंने भी आवश्यकताओं को अभिप्रेरणात्मक बल या मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में स्वीकारा है। और लेविन ने यह भी कहा है कि प्रेरणा, इच्छा, अंतर्नोद आदि सभी आवश्यकताओं के समान हैं, लेकिन लेविन ने अंतर्नोद और अन्य प्रकार की प्रेरणाओं में कोई अंतर नहीं माना है। जबकि आप जब आज साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ को आप अंतर्नोद पढ़ते हैं और अन्य को अर्जित के रूप में पढ़ते हैं। लेविन ने आवश्यकताओं की तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है। लेविन ने ये कहा है कि आवश्यकता जो है, आवश्यकता की उपस्थिति होने पर, जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति को भूख लगी है, प्यास लगी है, तो सबसे बड़ी बात है कि यह धनात्मक, पॉजिटिव, वह उसको पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तृप्ति करना चाहता है, तो अनुक्रिया भी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, और वह उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और सकारात्मक प्रयास करता है, और प्राप्त कर लेने के पश्चात उसमें जो है एक तृप्ति, एक पॉजिटिव वैल्यू ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार उन्होंने एक ऐसी भी बात की है कि निगेटिव, कई बार ऐसा होता है कि जैसे व्यक्ति में निगेटिव कर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, जैसे कि भूख लगी है, बहुत अधिक खा लिया, बहुत अधिक खा लिया, तो अब जो है कुछ तृप्ति नहीं महसूस होगी, विचित्र सा महसूस होगा, ऋणात्मक कर्षण शक्ति उत्पन्न होती है इस कारण से, और निगेटिव वैलेंस इसको नाम दिया है। और तीसरा फैक्टर इन्होंने तटस्थ कर्षण शक्ति के बारे में बताया है। अब यह है कि व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति किस प्रकार से करता है। वह भूख लगने पर स्वयं से बनाकर कर सकता है, बाजार में जाकर खा सकता है, किसी से मांग कर खा सकता है। अब यह तीनों चीजें उसमें किस तरह की फीलिंग को जन्म देंगी, यह डिपेंड करता है व्यक्ति
और उसके वातावरण, उसके क्षेत्रों के ऊपर। अब हम बात करते हैं कर्षण शक्ति, वैलेंस। लेविन ने इसको एक तरह से विज्ञान से ही संबंधित लिया है, विज्ञान से ही लिया है। और लेविन का ये कहना है कि व्यक्ति का जो मनोवैज्ञानिक वातावरण है, उस मनोवैज्ञानिक वातावरण में अनेक क्षेत्र होते हैं, और प्रत्येक क्षेत्र जो होता है व्यक्ति के लिए उसका कुछ मूल्य होता है। या तो वह व्यक्ति को धनात्मक रूप से आकर्षित करेगा, या ऋणात्मक रूप से व्यक्ति उससे बचने का प्रयास करेगा। यानी अगर धनात्मक कर्षण शक्ति है तो व्यक्ति उसको पाने का प्रयास करता है, और ऋणात्मक कर्षण शक्ति है तो व्यक्ति उससे भय महसूस करता है। लेविन ने वेक्टर शब्द का भी प्रयोग किया है और इसे एक एरो लाइन से बताया है, और यह बताया है कि एरो लाइन जो है वह बताती है कि जो व्यक्ति पर लगने वाला बल है वह कितना शक्तिशाली है। इस कॉन्सेप्ट को लेविन ने फिजिक्स से लिया है। यहाँ पर लेविन का बल से तात्पर्य मनोवैज्ञानिक बल से है, ऐसे बल से है जो व्यक्ति को किसी निश्चित दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। और व्यक्ति जो है हमेशा बल की दिशा की ओर ही कार्य करता है। यानी जिस ओर अधिक बल व्यक्ति महसूस करता है उस दिशा की ओर ही व्यक्ति अपने प्रयास को करता है। इसके बाद लेविन ने संचलन के प्रत्यय को बताया है। संचलन ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि हमने पहले भी अभी आपको बताया है कि एक व्यक्ति अपने मनोवैज्ञानिक वातावरण से एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जा सकता है, भले ही वह शारीरिक रूप से कहीं भी हो, लेकिन वह मानसिक रूप से वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकता है। यह डिपेंड करता है उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण, साथ ही साथ उसके कर्षण मूल्य पर, कौन सी चीज़ उसको कितनी अधिक प्रभावित कर रही है इस पर उसका संचलन डिपेंड करता है। माने जितना अधिक धनात्मक कर्षण जिस ओर वह महसूस करेगा, वह मेंटली उस ओर ज़्यादा मूव करता है। लेविन ने अपने सिद्धांत में द्वंद्व के बारे में भी अध्ययन किया है, और आज हम स्टूडेंट्स द्वंद्व के बारे में बहुत अधिक आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब हमने रॉजर्स का सिद्धांत बताया, मिलर और डोलार्ड का सिद्धांत बताया, तो हमने आपको द्वंद्व के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। लेविन ने भी तीन प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, उन्हीं तीन द्वंद्वों की बात हम कर रहे हैं जो हमने पहले आपको बताया हुआ है। अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। यह अंतर्द्वंद हमने आपको बताया हुआ है कि तब होता है जब व्यक्ति में एक ही समय पर अनेक सदिश या बल, यह लेविन के शब्दों में अंतर्द्वंद को हम बता रहे हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था जब एक ही समय में व्यक्ति की विचारों में संघर्ष होता है प्रेरणाओं को लेकर, तब व्यक्ति में अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है। लेविन ने इसके लिए कहा है जब व्यक्ति एक ही समय में अनेक बल से प्रभावित होता है और उस बल की
जैसी वैल्यू होती है उस हिसाब से व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होता है या विकर्षण या पलायन करना चाहता है, लेकिन वह डिसीजन न ले पाने की स्थिति में उसमें जो है द्वंद्व की उत्पत्ति होती है। हमने पहले भी आपको बताया कि उपागम उपागम द्वंद्व में दो सभी जो दो लक्ष्य हैं वह उसको पाना चाहता है। परिहार परिहार में चूंकि ऋणात्मक उसको प्राप्ति होनी होती है, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि उसे एक मार्ग का चयन करना भी होता है और उसे दंड या ऋणात्मक वैल्यू मिलनी भी होती है। उपागम परिहार में वह डिसीजन नहीं कर पाता है कि किसको प्राप्त करे और किसको छोड़े। इस प्रकार से लेविन ने अपने सिद्धांत में द्वंद्व की बात की है। लेविन ने व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए किसी विशेष प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन नहीं किया है। लेविन का ये कहना है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की क्रियाओं में विविधता आती है, उसकी क्रियाएं संगठित होती जाती हैं। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके व्यवहार की जो तरीका होता है वह परिवर्तित होता जाता है और उसकी कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होते जाते हैं और कल्पनाओं के स्थान पर परिपक्वता के साथ साथ यथार्थता या वास्तविकता का गुण आने लग जाता है। इस प्रकार से लेविन ने व्यवहार की व्याख्या के लिए पर्सन इनटू एनवायरनमेंट यानी व्यवहार जो है व्यक्ति और वातावरण के बीच प्रकार्यात्मक संबंधों की व्याख्या के रूप में इन्होंने व्यवहार का वर्णन किया है। लेविन ने अपने सिद्धांत को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताने का प्रयास किया है, जिसके कारण अनेक अनुसंधान कार्य एटकिंसन ने भी किया है और उपलब्धि अभिप्रेरणा जो कि हमने आपको पढ़ाया हुआ है अचीवमेंट मोटिव के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किया है। लेकिन शुरू में ही हमने कहा कि लेविन के सिद्धांत के कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि इनके आधार पर हम व्यवहार की व्याख्या बहुत उचित तरीके से नहीं कर सकते हैं। जैसे जीवन समष्टि के बारे में लेविन के सिद्धांत को एक गंभीर त्रुटि का आरोप लगाया गया है, आक्षेप लगाया गया है। साथ ही साथ इनके लाइफ स्पेस की प्रत्यय की अनेक मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना की है कि लेविन ने अपने सिद्धांत में अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में जो मनोवैज्ञानिक वातावरण के बाहर का वातावरण है उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की है। साथ ही साथ लेविन ने यह भी नहीं बताया है कि यह लाइफ स्पेस किस प्रकार से और किस तरह से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं हमने देखा कि कोई भी सिद्धांत आलोचनाओं से बचा नहीं है। हर सिद्धांत में कुछ कमियां हैं और अच्छाइयां हैं। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि लेविन का सिद्धांत एक वैज्ञानिक प्रत्यय को लेकर चलता है, लेकिन कहीं न कहीं व्यवहार की व्याख्या में कुछ प्रत्यय इनकी अस्पष्ट रह जाते हैं या इन्हें वास्तविक ढंग से यह समझाने में असमर्थ रहे हैं।